सो ही गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने वीडियोज़ बनाई थी इससे पहले, आपने उसको देखा, उसमें कॉमेंट्स किए और जो भी आपके क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर दूंगी। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम करते हैं क्या हमारा बैली जो फैट है वो भी लूज़ होता है, जो बैली फैट होता है? तो इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको दूंगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ और आगे भी शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब मैंने जो भी अपना वेट लॉस किया बहुत इजी, मतलब घर के जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है उससे किया, और आप इजीली कर सकते हो। आपने कुछ बाहर से नहीं लाना है, जो आपके घर में है बस उसी डाइट को लेना है। बस ये है कि कितना डाइट लेना है और कब लेना है, कैसे लेना है, बस इतना है, जो है वही। आपको फालतू कुछ भी वैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। और बात रही ये कि क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करते हैं तो क्या हमारा बैली फैट भी लूज़ होता है, तो उसका आंसर है यस। अब मैं इसका आपको मतलब लाइव मैं आपके सामने इसका बिल्कुल रिजल्ट हूँ कि स्टार्टिंग में बताती हूँ, 12 जून से मैंने स्टार्ट किया इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मेरी एक कुर्ती थी, मतलब वो मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि अब पेट इतना भार आ जाएगा तो कहाँ से आएगी, तो मतलब बहुत टाइट हो रही थी वो मुझे, तो मैं उसको नहीं पहन पा रही थी और मेरी फेवरेट है। फिर मतलब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं ऐसे ट्राई कर रही थी, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो शायद मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं करती, रिजल्ट मिला इसलिए कंटिन्यू किया। और जब मुझे रिजल्ट मिला ना तो मुझे पता चला यार कि ऐसा भी होता है, और मैं चाहती थी कि उन लोगों को भी पता चले जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मोटापा सच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब लोग आपको मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हाथी ये वो सो कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो शायद उनके लिए वो मजाक होता है लेकिन सुनने वाले को बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं बताती हूँ, मतलब एक हफ्ता हुआ होगा, मैंने मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा यार अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा, अगर वेट लॉस मतलब तो हुआ लेकिन क्या मेरी बॉडी पे भी फ़र्क पड़ रहा है वो मुझे देखना था। वो यहाँ से भी मुझे टाइट थी, मेरे पेट से मुझे टाइट थी, तो मैंने पहनी तो मुझे आ गई, और आ गई मतलब ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा कम हुआ होगा और आ गई मतलब फिट कर ली, नहीं, मतलब वो पेट से लूज़ हो रही थी। अब आप खुद सोचो कि इतना अच्छा रिजल्ट, और इतना ही नहीं वो मेरे को यहाँ से भी टाइट थी, यहाँ से भी ईजीली आ गई। तो यार सबसे जो बात है ना वो फैक्ट ये है कि जब आपकी बॉडी से वेट कम हो रहा है तो वो वेट कम ऐसा तो है नहीं, कहीं से तो हो रहा होगा ना आपकी बॉडी में, और जब वेट कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ पतला भी हो रहा होगा। तो जो मेनली आप देखते हो जब मोटे होते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट पेट पे पड़ता है, पेट बढ़ने लगता है, आर्म्स वगैरह इनमें फैट होने लगता है, और जब आप पतले होने लगते हो वेट लॉस होने लगता है तो इन पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है जल्दी से मेरा वेट लॉस होता नहीं। मैंने जिम भी किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 1 kg भी कम नहीं हुआ था, और अभी सिर्फ डाइट से मतलब सोचो मतलब 4 kg वेट इतना इजीली। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आराम से 10 kg कम करना है ना, आराम से हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 10 क्या, एक लड़की का मैंने देखा था कि इससे पहले जो मेरी वीडियोस में उन्होंने कमेंट किया था, उनके 14 kg कम किया उन्होंने 1 महीने में। तो देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना, बस डाइट फॉलो करनी है। डाइट क्या, वही मैंने आपको बताया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो। मेरा टाइमिंग थी 7 से नेक्स्ट डे के 11 AM, और जो फास्टिंग पीरियड होता था उसमें मैं सिर्फ नॉर्मल पानी लेती थी, कुछ भी नहीं लेती थी, लेमन वाटर वगैरह कुछ नहीं। आप चाहो तो लेमन वाटर ले लो लेकिन उसमें शुगर ऐड मत करना, बट मैं एक ही दिन लिया था बस, फिर नहीं लिया। और जो ईटिंग विंडो होती है 8 hours की मेरी, 11 से 7 PM के बीच की जो होती थी उसमें नॉर्मल घर में जो बना होता था, बस मैंने जो किया अपना एक टाइम का जो खाना है वो स्किप कर दिया। मतलब या तो आप लंच कर लो और डिनर कर लो 7 PM पे, या एक काम करो ब्रेकफास्ट कर लो और डिनर कर लो, लंच स्किप कर दो, मतलब एक चीज़ आपने स्किप करनी है, तीनों नहीं खाने हैं 8 घंटे के अंदर, ये नहीं खाते जा रहे हैं, मतलब लिमिट में खाना है। और आप एक हफ्ते करो वेट कम होगा, उसके बाद आप खुद ना आपको किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि आप ये खाओ वो खाओ, खुद आपके अंदर से मोटिवेशन हो जाएगी, आप खुद समझने लगोगे कि होता कैसे है, और आप खुद मतलब एक बार करो वेट लॉस होगा, फिर आप खुद नहीं खाने वाले चीज़ें। मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ, 3-4 दिन तो मैंने खाया, जब मुझे रिजल्ट दिखने लगा तो मेरे को लालच आ गया कि यार मैं तो और अच्छे से करूँगी तो और स्पीड से वेट लॉस होगा, तो ऐसे किया तो हो रहा है। अब मैं आपको शेयर करती रहूँगी जो भी होगा, 2 चीज़ें जो मैंने देखी, पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा आपका, और ये जो मेरे टायर्स मेरे कमर में इतने गंदे वाले टायर्स थे अभी भी है बट पहले से कम हो गए, और जो आपका ये वाला फैट होता है ये भी आपका कम हो जाएगा। तो करके देखो, 8 दिन में इतना रिजल्ट मिल रहा है तो 1 महीने में तो चमत्कार ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये आपका लाइफस्टाइल है, एक अच्छा लाइफस्टाइल यही होता है कि आप 7 बजे तक डिनर कर लो और अगले दिन आप मतलब खाना का आपको पता है कि 11 बजे खा लो, लंच कर लो, मतलब एक चीज़ स्किप करनी है। अगर आप पहले से फिट हो तब भी आप इसको कर सकते हो, तो फिर आप मतलब जैसे खाना खाना चाहते हो खाओ, बस ये कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है।
है आपको। सो आपको पता चल गया होगा कि मतलब रियल में मेरा तो रिज़ल्ट ये है, मेरा यहाँ से फैट लॉस हुआ, पेट से भी, और मतलब हुआ है बॉडी में। किसी ने पूछा था इंचज़ में फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है इंचज़ में भी फ़र्क। तो बाकी जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू।